पूजा त्रिपाठी जी, ये आपका गठबंधन सिरे कैसे चढ़ने लगा? कोशिश तो आप बहुत समय से कर रहे थे, पर कुछ सिरे नहीं चढ़ता था। तब सिरे चढ़ा जब प्रधानमंत्री जी ने संसद में बता दिया कि इस बार लोकसभा चुनाव जो हो रहा है ना, उसमें भाजपा 370 सीटें जीत रही है, एनडीए जो है ना वो 400 पार करने जा रहा है। तो 370 भाजपा और 400 पार एनडीए, घबरा गए आप सब लोग, बोले मर जाएंगे क्या करेंगे। इसलिए अब सब साथ में आ रहे हैं, क्योंकि जब बारिश का पानी कुछ ज्यादा ही चढ़ने लगता है तो सभी जानवर एक ही छत पर दिखाई देने लगते हैं, सभी पक्षी एक ही डाल पर दिखाई देने लगते हैं। क्या बोलते हैं, भाजपा ने बड़ी मदद कर दी आपको एक साथ लाने में, सीट शेयरिंग कराने में। भाजपा की शुक्रगुजार है कि नहीं है पूजा त्रिपाठी जी? आप शुक्रगुजार नहीं हो। इंडिया गठबंधन शुरू से भाजपा की विघटनकारी ताकतों को, विघटनकारी शक्तियों को परास्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आए थे और सबका एक कॉमन एजेंडा था कि इस देश को ये जो धर्मांधता की जहर फैला दिया गया, इस देश में जो अर्थव्यवस्था का हाल है, इस देश में जो बेरोजगारी का हाल है, महंगाई का हाल है, उसके खिलाफ एक कलेक्टिव लड़ाई रहेगी। तो ये भाजपा, अगर देखो मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी इतने आश्वस्त हैं कि वो 370 पार करेंगे, एनडीए सुन रहे हैं 400 पार करेगा, तो जिस अजीत पवार को वो दो दिन पहले गाली देते थे कि वो 10,000 करोड़ का आदमी है, उसे क्यों ले लिया, वहां आरएलडी को ले लिया, वहां नीतीश कुमार को ले लिया, ये डेस्परेशन।